हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ताल जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है म्यूज़िक में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो जब मैं ग्रेड 12 बोर्ड में बच्चों का प्रैक्टिकल लेने गई तो मैंने देखा कि बच्चों को ताल को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लाइक वो ताल को उस तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे थे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा उसमें सोचा और जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिले कि जिससे उनको ताल समझ में आए। तो उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सब मेरी इस वीडियो को देखे, इससे ताल को अच्छे से समझे और बोर्ड में अच्छे से एग्जाम में मार्क्स लेके आए। ठीक है तो शुरू करते हैं। तो आज मैं जिस ताल का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको तालों को कैसे याद करना चाहिए, समझना चाहिए, वो है ताल धमार। राइट, बोर्ड में मोस्टली 6 मार्क्स का या 8 मार्क्स का ताल का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको ताल को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल 70 मार्क्स का होता है और ताल सिर्फ ताल के लिए नहीं, जो आप बंदिश भी गाते हैं, जो आप राग भी गाते हैं, जो डिफरेंट जॉनर्स भी गाते हैं, उसमें भी ताल की समझ होना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, सो धमार ताल जो एक 14 मात्रा की ताल है। ठीक है, अब उसको करना कैसे, सबसे पहले आप ताल को, अगर आपको बोल को बोलने में तकलीफ़ है या उसको समझने में तकलीफ़ है या थोड़ा सा मुश्किल है, तो सबसे पहले नंबर से शुरू करिए। चाहे आपको 1 गुण करना है, 2 गुण करना है, 3 गुण करना है या 4 गुण करना है, ठीक है, 4 गुण करना है। तो सबसे पहले 1 गुण कैसे करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 1। हमेशा याद रखिएगा कि ताल को जब भी आप एग्जामिनर के सामने पढ़ के बताएं, आप हमेशा सम पर उसको ख़त्म करें। दूसरी बात, जब भी आप ताल का 1 गुण करें, उसकी लय को यानी उसके टेम्पो को बहुत स्लो रखें। वो आपको 2 गुण 3 गुण और 4 गुण की लय को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर आपने गलती से फास्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1, तो उसका दुगुन कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो बहुत डबल हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप 1 गुण की जो लय है उसको बहुत कम रखें ताकि आपको 2 गुण 3 गुण 4 गुण आसानी से समझ में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप किसी भी ताल को करें आप नंबर के साथ उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, उसकी लय को कम रखें। राइट, अब मैं आपको करके तीसरी बात ये कि जब भी आप ताल के बोलों को बोलें, आप उसको सिर्फ रीड ना करें, आप उसको एक साउंड के साथ कनेक्ट करके बोलें। कैसे, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। सुनने में भी अच्छा लग रहा है और करने में मजा आ रहा है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं का धी टा धी टा धा, तो आपको याद करने में मुश्किल होती है। राइट, तो उसका आसान तरीका है, आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर साउंड डालिए, इसको रिसाइट करिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने ये करने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी ताल को रिसाइट करके 1 गुण 2 गुण 3 गुण 4 गुण आसानी से कर सकते हैं। कैसे, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो जैसे हमने 1 गुण किया पहले नंबर्स के साथ, फिर उसमें बोल डालकर और उसको रिसाइट कर, वैसे आप 2 गुण 3 गुण 4 गुण कर सकते हैं, जो आपको बहुत मदद करेगा ताल को याद करने पे। तो 2 गुण कैसे होगा, क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क धी ट धा आ ग ती ट ता आ क। राइट, और इसी तरीके से आप 3 गुण कर सकते हैं और आप एक लय को सेट कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, क्योंकि आपको 3 गुण करना है, एक बीट पे 3 मात्रा बोलनी है। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे करके फिर आप इसमें बोल सकते हैं,
कधी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ कधी ट धी ट धा ग ती ट ती ट ता आ कधी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ क। तो ऐसे एक रिदम के साथ, एक टेम्पो के साथ जब आप ताल को समझने की कोशिश करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको तो मज़ा आएगा ही आएगा, जो आपको सुन रहा होगा उसको आपसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप जब भी तालों को समझें, जब भी तालों को पढ़ें, उसको रिसाइट करके करने की कोशिश करें और ये आपकी बहुत मदद करेगा। तो आई एम श्योर कि मेरी आज की इस वीडियो से आपकी ताल में समझ ज़रूर पड़ेगी। मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।